शांति के बाईपास रोड की खस्ता हालत किसी से छिपी नहीं है। बीते दिनों इसकी खस्ता हालत को लेकर खबरें छपने से ये चर्चा का विषय भी बना। लगभग 10 दिनों से पहले ही शांति बाईपास रोड का उद्घाटन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने किया था, लेकिन इसके बावजूद जगह जगह पर सड़क उखड़ी हुई देखी जा सकती है। सड़क धंसने के कारण वाहन चालकों को भी यहां कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं इस बात को लेकर सोलन विधायक कर्नल धनराम शांडिल ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया जताते हुए कहा कि शांति बाईपास रोड उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था और सोलन वासियों को ट्रैफिक की समस्या से निकालने का एक समाधान भी, इसलिए यह प्रोजेक्ट उनके घोषणा पत्र में शामिल था। आज या कल में मैं उसका निरीक्षण करने जा रहा हूँ। अभी मैं टाइम देखता हूँ, उनको एक दूसरे स्कूल में भी हमेशा धावन इत्यादि में जाना होगा, तो उसके बाद में समय हुआ तो मैं स्टेट में वहाँ जाना चाहूँगा। मेरा कि वो अगर आप ध्यान से देखें, मेरे घोषणा पत्र में 2012 में सबसे पहला शांति बाईपास था। उसकी वजह ये थी कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा हमारी ट्रैफिक सॉर्ट ऑफ कल हुआ है और इतनी ज़्यादा ट्रैफिक बढ़ने से यातायात में बड़ी मुसीबत होती है, खासकर महिलाओं को, बच्चों को, मरीजों को चलने में बड़ी दिक्कत होती है। इसीलिए इस बाईपास का निर्माण किया गया था। अब हुआ है तो इसके देख रेख में जो गलतियां उसको देखा जाएगा और उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। शांति के बाईपास रोड की खस्ता हालत किसी से छिपी नहीं है। बीते दिनों इसकी खस्ता हालत को लेकर खबरें छपने से ये चर्चा का विषय भी बना। लगभग 10 दिनों से पहले ही शांति बाईपास रोड का उद्घाटन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने किया था, लेकिन इसके बावजूद जगह जगह पर सड़क उखड़ी हुई देखी जा सकती है। सड़क धंसने के कारण वाहन चालकों को भी यहां कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं इस बात को लेकर सोलन विधायक कर्नल धनराम शांडिल ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया जताते हुए कहा कि शांति बाईपास रोड उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था और सोलन वासियों को ट्रैफिक की समस्या से निकालने का एक समाधान भी, इसलिए यह प्रोजेक्ट उनके घोषणा पत्र में शामिल था। आज या कल में मैं उसका निरीक्षण करने जा रहा हूँ। अभी मैं टाइम देखता हूँ, उनको एक दूसरे स्कूल में भी हमेशा धावन इत्यादि में जाना होगा, तो उसके बाद में समय हुआ तो मैं स्टेट में वहाँ जाना चाहूँगा। मेरा कि वो अगर आप ध्यान से देखें, मेरे घोषणा पत्र में 2012 में सबसे पहला शांति बाईपास था। उसकी वजह ये थी कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा हमारी ट्रैफिक सॉर्ट ऑफ कल हुआ है और इतनी ज़्यादा ट्रैफिक बढ़ने से यातायात में बड़ी मुसीबत होती है, खासकर महिलाओं को, बच्चों को, मरीजों को चलने में बड़ी दिक्कत होती है। इसीलिए इस बाईपास का निर्माण किया गया था। अब हुआ है तो इसके देख रेख में जो गलतियाँ उसको देखा जाएगा और उसको दूर करने का प्रयास करेंगे।